हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो अभी मैं आज मैं जा रही हूँ वापस अपने कैंपस। अभी मैं निकलने वाली हूँ, कब से मुझे पहुँचाने वाली है वो भी आ गई है, तो अभी मैं निकल जाऊँगी। पहले मैं डिब्रूगढ़ जाना है मुझे, फिर देखना आप लोग वहाँ से, फिर मुझे दीमापुर और फिर मुझे अपने कैंपस में पहुँचना होगा। तो अभी तो पहले मुझे पासीगंज से यहाँ से गाड़ी लेकर जाना है, तो अभी मैं काउंटर जा रही हूँ। हम लोग को ऑलरेडी लेट हो चुका है, थोड़ा काउंटर वाले कॉल कर रहे हैं, लेकिन देखो कब से मेरा पूरा सामान लेके जा रहे हैं। हम लोग लेट हो गए हैं 10 मिनट, डर लग रहा है मुझे। So friends, I am in Dibrugarh right now. और गाड़ी थोड़ी देर में निकलने वाली है, तो I have to stay here for like I think 3 or 4 hours. पासीघाट और डिब्रूगढ़ के बीच ऑलरेडी मैंने एक बार उल्टी कर दिया था मोशन सिकनेस के कारण। यहाँ पे आप लोग मेरा बाल देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे कि मुझे करंट शॉक लगा है। हालत एकदम से बहुत ख़राब हो गया था मेरा। मैं थोड़ी देर रुकी काउंटर में, फिर मुझे लगा कि मुझे कुछ खा लेना चाहिए क्योंकि मेरा ऑलरेडी पेट खाली हो चुका था उल्टी करके। तो मैंने पास के ही एक ढाबा से रोटी सब्जी खा लिया और चिकन, फिर खा के मैं वापस काउंटर चली गई और वहाँ पे ही वेट करने लगी गाड़ी का, क्योंकि मुझे अकेला घूमना पसंद नहीं है। ऑलरेडी मुझे मोशन सिकनेस हो के, तो मुझे काउंटर में ही वेट करना अच्छा लगता है। तो हाँ, मैंने खाना खा लिया, मैं वेट कर रही थी। वहाँ पे एक मूवी भी चल रहा था, वो देख के हम लोग टाइम पास कर रहे थे। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, हम लोग एक मूवी एंजॉय कर रहे हैं और मेरे मूवी पार्टनर्स भी देख लीजिए। बस वेट कर कर के अभी देखो शाम भी हो गया है, पूरा अंधेरा। फिर मुझे लगा कि कुछ खाने को ले लेती हूँ, चिप्स ये सब ड्रिंक्स। रास्ते में अगर कमज़ोरी हो जाए लग जाए तो कुछ खा लूँगी। तो सामने के शॉप से मैंने कुछ ख़रीद लिया। फिर थोड़ी देर बाद हमारी गाड़ी भी आ गई, हम लोग दीमापुर के लिए निकल गए। और हाँ, बस में भी मैंने एक बार फिर से प्यूक किया। हालत तो क्या बताऊँ, बहुत ही ख़राब हो गया था मेरा। इसलिए मुझे जर्नी करना पसंद नहीं होता देयर ऑल्सो आफ्टर लॉन्ग टाइम। जब अगर कंटिन्यूस जर्नी करे तो कोई बात नहीं, लेकिन अचानक से मैं जब रेस्ट करके बहुत समय बाद जर्नी करती हूँ तो मेरा हालत यही हो जाता है। फिर हम निकल गए दीमापुर के लिए 7:30 को, और नेक्स्ट दिन आई थिंक इट वॉज अराउंड 3:30 वेन वी रीच्ड दीमापुर। दीमापुर पहुंच के भी फिर मुझे वेट करना था टिल 6। सो या मैंने, लेकिन थैंकफुली वहाँ पे मुझे एक एक बहुत ही क्यूट सिस्टर मिली, जो भी दीमापुर में पढ़ती थी वो ये है, वो मेरे साथ वेट कर रही है मेरे सुमो का। उसके बाद वो भी चली गई अपनी आंटी के घर। शी वॉज़ वेरी स्वीट एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। उसके बाद हम लोग निकल गए लुमामी के लिए। फिर या कुछ रास्ते में पैसेंजर्स का भी वेट किया, फिर निकल गए। उसके बाद एक पॉइंट पे हमने खाना खाया था, चीचमा आई थिंक, आई एम सो सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, बट यहाँ पे हमने खाना खा लिया और निकल गए कैंपस की और लुमामी की ओर। और ऑलरेडी वहाँ पे टाइगर वेट कर रही थी विद माय फ्रेंड। और पहुंच के टाइगर वॉज देयर टू ग्रीट मी, बट ब्राउनी और टाइगर नहीं थे।
सिम्स वो लोग जो है चले गए कैंप हॉस्टल में. अभी गर्ल्स हॉस्टल में रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज मे भी नहीं थी रेंट पे. तो तो अभी हम लोग कुछ खाने वाले हैं. देखो मेरा बहन मेरे लिए पूरा पूरा रेडी करके हाँ. वापस ताकत लाने के लिए कुत्ता को लेने जा रहा है हम दोनों. ब्राउनी और टाइगर को हॉस्टल से लेने जा रहे हैं हम लोग बहन. हम दोनों दोनों जा रहा है I left our names written in the sand. I didn't know that they would wash away so fast. देखिए ऑलरेडी मालिक बन चुका है मेरे रूम का. सो रहा है वो यहाँ पे और आया और देखो ये भी तोड़ दिया आके मेरा मार्कर. तो फ्रेंड्स अभी हम लोग वॉशअप करके नहा धो के फ्रेश अप होके डिनर बना रहे हैं. वहाँ पे मेरी बहन है माय फ्रेंड. हम दोनों का किचन कुछ खास एस्थेटिक नहीं है बट चल जाता है. तो अंडा बनाएंगे और दाल बना लिया और राइस उठा दिया है. तो या हमारा अंडा बन गया. तो हम लोग का डिनर रेडी हो गया है. ये देखिए आलू दाल अंडा भुर्जी और ये है अखनी. तो हम लोग अभी खाने वाले हैं. सो फ्रेंड्स खाना खा के हो गया है. बहुत जोर की भूख लगी थी और जर्नी भी मेरा बहुत ही मुश्किल था क्योंकि मुझे मोशन सिकनेस है. बहुत ही हालत ख़राब हो गया था. तो अभी खाना खा लिया है. रूम को भी साफ करना है. बट उससे पहले मेरे फ्रेंड ने मेरे लिए ग्रीन टी बना दिया है. वो मैं पी लूँगी. बहुत ही क्यूट कप में देखिए इस कप में यहाँ पे ये ग्रीन टी पी के थोड़ा रेस्ट करने वाली हूँ मैं. सभी को थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में. बाय.